करना चाहते हैं घर वालों को खुश कुछ टेस्टी खाना देकर, तो मेरी मानिए ये चिकन फ्राई ज़रूर बनाइएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी। और यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स आप, इसकी जो खुशबू है ना पूरे घर में फैल चुकी है, बहुत ही टेस्टी आ रही है इसकी खुशबू। बिना किसी देरी के आज का ये तड़का रेसिपी शुरू फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिश ले रखा है, इसको हम रोहू मछली कहते हैं। मैंने इसे अच्छे से काट करके साफ करके ले लिया है। अब साइड में मैंने यहाँ पे नींबू ले रखा है और अदरक लहसुन ले रखा है, हरी मिर्च और धनिया और पुदीना ले रखा है। अभी हम लोग मिक्सी लगा के ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं हरी मिर्च लहसुन को डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक डाल के ले लूँगी। अब इसके अंदर हम लोग पुदीना डाल के ले लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे हम लोग। अब हम इसे पीस करके ले लेंगे। तो पेस्ट मैंने बना करके ले लिया है। अब मैं इसे मछली के ऊपर डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर हल्दी डाल दूंगी 1/2 टीस्पून। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर मछली मसाला डाल दूंगी 1 टीस्पून। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर डाल के ले लूँगी। अब मैं यहाँ पे 7 के अनुसार नमक डाल के ले लूँगी। अब मैं यहाँ पे नींबू का रस डाल के ले लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर एक कप इसके अंदर बेसन डाल के ले लूँगी। अब मैं यहाँ पे चावल का आटा छान करके ले लूँगी। चावल का आटा डालने से जो हमारे मछली फ्राई होने के बाद में क्रिस्पी बन जाते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब मैं यहाँ पे साइड में पैन में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे मछली को फ्राई करके ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे मछली को फ्राई करके ले लूँगी। सबसे पहले लो फ्लेम पर मछली को अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरी साइड से भी मछली को फ्राई करके ले लेंगे हम लोग। और एक बार यहाँ पे मैं इसको पलट करके ले लूँगी। तो यहाँ पे मछली हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करके ले लेती हूँ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो मछली है ना बहुत ही अच्छा स्मेल कर रही है। आप यकीन मानेंगे नहीं फ्रेंड्स कि बहुत ही अच्छा स्मेल कर रही है ये, और पूरे किचन में बहुत अच्छा सुगंध फैला हुआ है इस मछली का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा मछली भी, दूसरा बैच भी फ्राई करके ले लेंगे। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, मैंने मछली के अंदर पानी यूज़ नहीं किया है बिल्कुल भी। तो जैसे पहले बैच को मैंने फ्राई करके लिया था, बिल्कुल वैसे ही सेकेंड बैच को फ्राई करके ले लेंगे। सबसे पहले एक साइड से हम लोग फ्राई करके ले लेंगे, फिर दूसरी साइड से फ्राई करके ले लेंगे। गैस को मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। तो देखिए ऐसे मैंने बहुत सारे फ्राई करके ले लिए हैं मछली। अभी हम लोग दूसरे साइड से भी फ्राई करके ले लेते हैं। वाह, देख सकते हैं यहाँ पे सच्ची में फ्रेंड्स मछली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी फिश फ्राई बनके रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई ये फ़िश फ्राई। मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई ये। और आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। और यकीन मानिए इसकी जो खुशबू है ना वो नाक में बहुत, और यकीन मानिए फ्रेंड्स इसकी जो खुशबू है ना वो पूरे घर में फैल चुकी है, इतनी मस्त वाली खुशबू आ रही है ना।
तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तो लेके आते रहेंगे न्यू ऐसे तड़केदार रेसिपी। सब तक के लिए खाते रहे और मस्त रहे। बाय फ्रेंड्स।